हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम रियल एनालिसिस के अंदर रियल नंबर सिस्टम आर, आज हम DSSB TGT मैथ के लिए ये पढ़ेंगे बाउंडेड बिलो सेट इनफिमम JLB। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बाउंडेड अबो सेट और सुप्रीमम लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट बताए थे। तो आज हम बाउंडेड बिलो सेट और इनफिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ जो इसके रिजल्ट हैं इससे रिलेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनफिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन जानने से पहले हमें बाउंडेड बिलो सेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और लोअर बाउंड क्या होता है ये इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो क्या होता है बाउंडेड बिलो सेट? बिलो का मतलब देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है। अब देखो बिलो माने वैसे तो नीचे होता है, अबो माने ऊपर होता है, लेकिन जो रियल लाइन होती है, रियल लाइन क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रियल लाइन क्या होती है? लेफ्ट टू राइट होती है। तो राइट यानी कि राइट की तरफ तो क्या मानते हैं हम? अबो। और बिलो मानते हैं लेफ्ट की तरफ, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। हाँ, रियल लाइन में क्या होता है? अबो का मतलब राइट, बिलो का मतलब लेफ्ट, ठीक है ना। दो ही साइड होती है इसकी, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो देखो तो लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स। रियल नंबर का क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट, एस कोई सबसेट है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। देयर एग्जिस्ट है रियल नंबर के वन सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ऐसे सेट क्या होगा? बाउंडेड बिलो होगा अगर एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाए के वन, कैसे? अभी एस के सारे एलिमेंट, एस के सारे एलिमेंट क्या होंगे? के वन से बड़े होंगे या उसके इक्वल होंगे, ठीक है ना। एक ऐसा इसको बोलते हैं लोअर बाउंड, क्या बोलते हैं? के वन एक क्या हुआ? हेयर के वन इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। लोअर बाउंड का मतलब क्या है? लेफ्ट से, ठीक है ना, लेफ्ट से एक ऐसा बाउंड जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या हों? ग्रेटर देन और इक्वल टू। एस का के वन क्या होगा? अपर बाउंड होगा। अगर के वन के का क्या कर दे? के वन से सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं? एस के ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। ओके, अब देखो इस फॉर एग्जांपल आपने ले लिया एस सेट, ले लिया, मान लिया ओपन इंटरवल ले लिया 0 1। अब देखो यहाँ से, अब मैं रियल लाइन पे अगर मैं बनाऊँ, ये मान लिया यहाँ पे 0 हो गया और ये क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है, 1। तो देखो अब इस सेट, देखो इसके अंदर 0 नहीं है और 1 नहीं है, क्योंकि कैसे एलिमेंट इसके अंदर है? मान लिया मैं एक्स लेता हूँ तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। तो अब देखो 0 इज ए लोअर बाउंड है, 0 क्या है? इस सेट का लोअर बाउंड है। क्यों? अगर भी सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे? सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1। भाई ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, और का मतलब या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू, और का मतलब, ठीक है ना, और का मतलब क्या होता है? या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना, नहीं होता इसका मतलब, राइट। तो 0 से क्या है? सारे के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0। आप देख लो तो सारे एलिमेंट क्या है? 0 से ग्रेटर देन है, सारे के सारे एलिमेंट क्या है? 0 से ग्रेटर देन। सो 0 इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, राइट। अच्छा एक चीज और देखो, 0 तो इसका लोअर बाउंड है। अब 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं, 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं, मान लिया -1 है, -2 है, -3 अप टू सोन, ठीक है ना, 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं? इस सेट के लोअर बाउंड हैं। क्यों? अब देखो, अब भाई क्या, अब ये तो मैं ये भी ऐसे लिखता हूँ, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1। भाई मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखता हूँ, -1 से बड़े हैं सारे एलिमेंट क्या इस सेट के? -1 से बड़े हैं। भाई मैं -2 भी लिख सकता हूँ, ये बात भी ठीक है, -3 भी लिख सकता हूँ, -4 भी, -5 अप टू सोन, जितना भी है, ठीक है ना। 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं इस सेट के, 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं? इसके लोअर बाउंड है। लिखा हुआ भी है ऑल अदर रियल नंबर्स लेस देन के वन, यानी कि 0 से छोटे, ठीक है ना, जो लोअर बाउंड है उससे छोटे नंबर भी क्या होंगे? उस सेट के लोअर बाउंड होंगे, राइट। लेस देन के वन आर ऑल्सो लोअर बाउंड ऑफ ए सेट एस, ठीक है ना। कोई लोअर बाउंड है तो उससे छोटे जितने भी रियल नंबर होते हैं किसी सेट के सारे उस सेट के क्या होते हैं? लोअर बाउंड होते हैं। ओके, तो इस आई होप आपको बाउंडेड बिलो सेट की और लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, राइट। अब देखो लोअर बाउंड की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर होगी तो इनफिमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समझने में आपको कोई भी दिक्कतें
नहीं आएगी। देखो यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि जितने भी लोअर बाउंड हैं उन सब में ग्रेटेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफिमम। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको बहुत अच्छे से। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, सबसे पहले क्या होना चाहिए, एस ए रियल नंबर का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ए रियल नंबर एल, एल फॉर लोअर बाउंड, राइट, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जी एल बी या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, इफ एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एल ए लोअर बाउंड होना चाहिए, लोअर बाउंड तो होना चाहिए, ठीक है ना, लोअर बाउंड तो होना चाहिए, राइट, ओके। दूसरी बात क्या, इफ एल डैश इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट एस देन एल डैश लेस देन इक्वल टू एल डैश। क्या मतलब हुआ, अगर भी एल 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 क्या है, लोअर बाउंड, अगर L के अलावा S सेट का अगर कोई अनदर लोअर बाउंड है तो क्या होना चाहिए, वो L से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। क्यों, अभी L से लेस देन इक्वल टू नहीं होगा तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी L ये तो एक है, मतलब देयर आर इनफाइनेटली मैनी, यानी कि अगर L से L के अलावा अगर देर आर इनफाइनेटली मैनी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते होंगे किसी सेट के सारे लोअर बाउंड क्या होने चाहिए, उस एल से लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए, ठीक है ना। इट मीन्स दैट अगर एल से सारे लोअर बाउंड छोटे होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी जितने लोअर बाउंड हों सब में बड़ा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं जीरो और वन, ये एस सेट ले लिया आपने। अब देखो, अब यहाँ से आप देखो, आप भाई जीरो इस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, जीरो और एक के बीच में है, जीरो से बड़े हैं और एक से छोटे। अब ये तो आपको पता है जीरो क्या है, इसका लोअर बाउंड है, भाई जीरो से क्या है? सारे के सारे एलिमेंट हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन, राइट है ये बात। अब देखो आप, अब सारे एलिमेंट क्या हैं, अभी मैंने बताया था, अभी जीरो से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं सारे के क्या हैं, इसके लोअर बाउंड, भाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन। ये तो मैं मोटे मोटे नंबर ले रहा हूँ, माइनस वन माइनस टू, इनके बीच के भी 0.1 0.2 0.3 सारे एवरी रियल नंबर सेटिस्फाइड दिस कंडीशन, राइट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन एंड सो ऑन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अभी जीरो भी इसका लोअर बाउंड है, माइनस वन भी इसका लोअर बाउंड है, माइनस टू भी इसका लोअर बाउंड है, माइनस थ्री भी लोअर बाउंड है। अब देखो जीरो इसका लोअर बाउंड है तो सारे एलिमेंट क्या ठीक नहीं है ये, भाई जीरो क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अगर जीरो को छोड़ के कोई अनदर लोअर बाउंड है तो क्या होना चाहिए, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, जीरो ग्रेटर देन इक्वल माइनस थ्री, माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू। इट मीन्स डैट अगर इस सेट के जितने भी लोअर बाउंड हैं, इस सेट के कितने लोअर बाउंड है, जीरो भी है, माइनस वन भी है, माइनस टू भी है, माइनस थ्री अप टू सोन इनफाइनाइट, जितने भी जीरो से छोटे रियल नंबर हैं सारे क्या इसके लोअर बाउंड है। बट इन सारे जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू सोन, ठीक है ना, मतलब अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, थोड़ा देखने में कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं ऐसे, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी, जितने भी रियल नंबर है जीरो से छोटे सारे क्या इसके सेट के लोअर बाउंड है। बट इन सारे लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, वो है जीरो। इन सारे लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, जीरो। इट मीन्स डैट अगर भाई इसलिए क्या कहलाया ये, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि जितने लोअर बाउंड है किसी सेट के उन सब में जो ग्रेटेस्ट है उसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हुआ, जीरो हुआ, ठीक है ना। तो आपको इसी तरह से डेफिनेशन का यूज करके आपने किसी भी सेट के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालने आने चाहिए। आई होप आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट में इसके कुछ रिजल्ट हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं लिस्ट एलिमेंट क्या होता है। लिस्ट एलिमेंट का मतलब होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये इस सेट का लिस्ट एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है ना। तो छोटा एलिमेंट आप तभी बता पाओगे जब वो सेट के अंदर आपको दिखाई देगा, अदरवाइज आप बता ही नहीं सकते, ठीक है ना, ओके। तो देखो, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स। एस क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए रियल नंबर का। ए रियल नंबर के वन इज सेट टू बी लिस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट एस इफ के वन बिलोंग्स टू एस,
यानी कि सेट के अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तब आप उसको बोलोगे लिस्ट एलिमेंट। एंड अदर कंडीशन क्या है, के वन इज द लेस देन ऑल अदर एलिमेंट ऑफ सेट एस, यानी कि के वन जो है ना लिस्ट एलिमेंट कब होगा, एक तो सेट के अंदर होना चाहिए, दूसरी बात क्या है, के वन इज द लेस देन ऑल अदर एलिमेंट ऑफ सेट एस होना चाहिए, ठीक है। तो के वन क्या होना चाहिए, एक तो के वन बिलोंग्स टू एस, और के वन लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू एस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, राइट। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, जैसे एस सेट आप ऐसे भी ले सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वन क्या है, सेट के अंदर है, तो वन क्या है, इस सेट का लिस्ट एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट क्या हैं, मतलब सारे एलिमेंट से क्या है, छोटा है, ठीक है ना, छोटा और इक्वल, ओके। अच्छा सबसे छोटा ये देखो कि 1 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 4 भी से छोटा है, 5 से, और खुद से तो क्या है, इक्वल है ही, ठीक है ना। अच्छा एस सेट आपने ले लिया, मान लिया जैसे आपने ले लिया 0 और 1 का क्लोज इंटरवल, 0 क्या है, 0 सेट के अंदर है, 0 क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट है, और ऑल जिस सेट के और अदर एलिमेंट से क्या है, छोटा है, सेट के जितने एलिमेंट हैं खुद को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट से क्या है, छोटा है, राइट। तो 0 क्या है, इसका लिस्ट एलिमेंट है, क्या है इसका लिस्ट एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है, लिस्ट एलिमेंट कब कहोगे, जब सेट के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं हो कह सकता। जैसे ये है 0 और 1, अब इस सेट का आप लिस्ट एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते, कभी नहीं ढूंढ सकते, ठीक है ना, क्योंकि लिस्ट एलिमेंट सेट के अंदर है ही नहीं, ठीक है ना, है लेकिन आप बता नहीं सकते कौन सा, ये नहीं बता सकते, ठीक है ना। 0 के बाद आप कितनी 0 लगाओगे कि लिस्ट एलिमेंट ढूंढोगे, ठीक है ना, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, कितने 0 लगा के आप 1 लगाओगे, ठीक है ना। तो लिस्ट एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप लिस्ट एलिमेंट नहीं बता सकते, राइट, ओके। तो लिस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा दूसरी बात क्या है, अगर लिस्ट एलिमेंट सेट के अंदर है ना, तो पक्की बात वो इन्फिमम होगा, क्या होगा, इन्फिमम, ओके। ऐसे ही ग्रेटेस्ट में, अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो पक्की बात वो क्या होगा, उस सेट का सुप्रीमम होगा, राइट, ओके। यहाँ पे भी ऐसी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 क्या है, लिस्ट एलिमेंट है, तो इस सेट का क्या है, इन्फिमम है। 5 क्या है, इस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि सेट के अंदर है, तो क्या है, 5 इसका सुप्रीमम है, राइट, ओके। आगे नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो ये बड़े, इस पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। इफ़ एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड बिलो, सेट क्या होना चाहिए, बाउंडेड बिलो होना चाहिए। जब भी आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फिमम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो बाउंडेड बिलो सेट मिलेगा, सुप्रीमम की पढ़ोगे तो बाउंडेड अबव मिलेगा। देन ए रियल नंबर एल इज द इनफिमम जी एल बी ऑफ सेट एस इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली का मतलब क्या होता है, अगर सेट, अगर एल को आप इनफिमम लोगे, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अगर फिर उल्टा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करती हैं, तो पक्की बात है एल क्या होगा, इसका जी एल बी इनफिमम, राइट। उल्टा सुलटा, पहली कंडीशन लेके दोनों ट्रू, दोनों ट्रू मान के पहली कंडीशन प्रूव कर देंगे, तो इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो देखो क्या है, एल अगर इस सेट का इनफिमम है या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो पहली बात क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब क्या है, एल क्या है, लोअर बाउंड, एल से सारे एलिमेंट क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एल क्या है यहाँ पर, लोअर बाउंड, राइट, एल क्या है यहाँ पर, लोअर बाउंड होगा, पहली बात। दूसरी क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर आपने L के अंदर अगर वो इनफिमम है, तो इनफिमम है, तो पहली बात तो इनफिमम है तो क्या होना चाहिए, वो लोअर बाउंड होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर आपने L के अंदर जरा सा भी एलिमेंट जोड़ दिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, सेट का कम से कम एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, इससे पीछे हो जाएगा। पीछे का मतलब है, कुल मिला के क्या है, वैसे तो क्या है, देखो L ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s होता है, मतलब L अगर लिस्ट अप क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, लोअर बाउंड है, सारे एलिमेंट क्या हैं, इससे आगे, L से आगे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो L लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, सारे एलिमेंट L से क्या हैं, आगे, लेकिन
कंडीशन क्या है, अगर भाई एल में आपने जरा सा भी एलिमेंट जोड़ दिया तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसके पीछे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पीछे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो सारे एलिमेंट क्या हैं, एल से आगे, एल ग्रेटर एल लेस देन इक्वल टू एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, या ऐसे पढ़ लो एल लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ऐसे है। एल सबसे पीछे है, एल क्या है एस के सारे एलिमेंट से क्या है पीछे, बट अगर एल के अंदर आपने जरा सा भी एलिमेंट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो जोड़ दिया तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट उठ के कहाँ चला जाएगा, इसके पीछे, यहाँ इसके पीछे चला जाएगा। ठीक है ना, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो एल प्लस एप्सिलॉन से लेस देन होगा, क्या होगा, लेस देन। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते हैं हमें, देखो यहाँ लेते हैं, जैसे आपने एस सेट ले लिया जीरो और वन ले लिया, ओके, जीरो क्या है इसका, एल इजल टू जीरो क्या है इसका, जी एल बी है, क्या है, जी एल बी। अब देखो यहाँ से जीरो में आपने जरा सा भी एलिमेंट जोड़ दिया, जीरो प्लस जीरो 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 वन, वैसे देखो वैसे सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स होर होल एक्स बिलोंग्स टू एस, ये सिस्टम है भाई। इस सेट के एलिमेंट क्या हैं, जीरो से बड़े हैं, जीरो से बड़े हैं, जीरो से बड़े और इक्वल, दोनों कंडीशन है। ठीक है ना, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस है। ठीक है ना, तो क्या करूँगा मैं, जीरो के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जोड़ देता हूँ, अभी सेट का कम से कम एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसके पीछे चला जाएगा। ठीक है ना, क्या चला जाएगा, इसके पीछे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जोड़ दिया जीरो प्लस में जीरो पॉइंट जीरो 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 वन, अब एक बार बताओ ये जोड़ दिया, अब देखो अब इसके पीछे देखो कौन जाएगा पता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ जीरो प्लस में जीरो पॉइंट जीरो 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 वन। ठीक है ना, तो देखो इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट जाएगा, जीरो, कौन सा एलिमेंट जाएगा पता है, जीरो पॉइंट जीरो 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 वन। देखो क्या ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के पीछे नहीं है, बिल्कुल है पीछे भाई। देखो यहाँ पे जीरो प्लस में क्या है, जीरो प्लस में तो जीरो है, तो ये क्या है, कुल मिला के जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन है, चार जीरो लगा के एक है, तो ये क्या है, जीरो पॉइंट के बाद पांच जीरो लगा के वन है, तो क्या देखे, क्या ये इस एलिमेंट के पीछे नहीं आ गया, लेस देन है ये, एक जीरो और लगा दूंगा तो ये भी इसके पीछे, एक जीरो लगा दूंगा तो इसके पीछे। तो देखो देर आर इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट, ठीक है ना, जो इस एलिमेंट से पीछे हैं। ठीक है, और वे सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो से बड़े हैं, जीरो से बड़े हैं और एक से छोटे हैं, तो क्या ये एस सेट के एलिमेंट नहीं होंगे। तो अगर आपने इनफिमम के अंदर जरा सा भी एलिमेंट ऐड कर दिया तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट तो उसके पीछे जरूर जाएगा, इनफाइनेटली मैनी भी पीछे जाते हैं। अब अगर आप इंटरवल लोगे तो एक देर आर इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट क्या चले जाएंगे, इसके पीछे कितने जाएंगे, एक देर आर इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट अगर इंटरवल लेते हो। अगर इंटरवल नहीं लेते हो, सिंपल सेट लेते हो, तो एक एलिमेंट क्या लिखा है, क्या लिखा है, एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक जरूर। ठीक है ना, एक तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इंटरवल के केस में तो कितने जाएंगे, इनफाइनेटली मैनी पीछे जाएंगे। ठीक है ना, तो और अगर आपने क्या ले लिया, सेट कैसे ले लिया, एस बराबर है, जैसे मैंने लिया आपने वन टू थ्री फोर फाइव, अब देखो वन क्या है इसका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि इनफिमम है। आपने देखो क्या किया, वन प्लस में जीरो पॉइंट क्या किया आपने, 0.00001 जोड़ दिया। अब देखो अब ये कैसा एलिमेंट हो गया, वन, ये एलिमेंट हो गया वन पॉइंट में 0.00001 हो गया। ठीक है ना, जो इस सेट के अंदर नहीं है। तो देखो अब इस सेट, देखो ये एलिमेंट क्या हो गया, ये हो गया, कैसा हो गया, एल ए प्लस में एप्सिलॉन, एल प्लस में एप्सिलॉन, तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके पीछे चला जाएगा, क्या कौन जाएगा पता है। अब देखो इस एलिमेंट से छोटा कौन है, वो एक ही है, कौन है वो, एक। तो अब इस सेट के केस में अगर सेट वैसा है, डिस्क्रीट सेट जिसके अंदर गैप है, ठीक है ना, गैप, तो वहाँ पे उस केस में तो जाएगा एलिमेंट पीछे एक। और अगर सेट कैसा है, इंटरवल कैसा है, इंटरवल, तो उस सेट केस में कितने जाएंगे पीछे, देर आर इनफाइनेटली मैनी एलिमेंट पीछे जाएंगे। ठीक है ना, आई होप आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनिकनेस ऑफ इनफिमम क्या कहता है, जी एल बी इनफिमम ऑफ ए सेट एस इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर कोई किसी सेट के अंदर इनफिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, या किसी सेट का एग्जिस्ट करता है, अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, मैं दोनों तरह के एग्जांपल आपको बता चुका हूँ और एग्जांपल भी बता दूंगा। ठीक है ना, अगर किसी सेट का इनफिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो वो कितना होगा, एक ही होगा, दो नहीं होंगे,
ठीक है, हो ही नहीं सकते दो, ठीक है ना, एक ही होगा, राइट। ये आपको रिजल्ट एज ए याद रखना है। फिर दूसरा क्या कहता है, प्रूव दैट द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द सेट एस इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी ए इनफिम ऑफ सेट एस। दूसरी थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई किसी सेट के अंदर अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो पक्की बात है वो क्या होगा, उसका इनफिमम होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, ठीक है ना। जैसे देखो ये रहा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है इसके अंदर, वन, तो वन क्या है इसका इनफिमम भी है। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है जो सेट के अंदर एग्जिस्ट करता हो और सबसे छोटा हो, ठीक है ना। दूसरी बात देखो यहाँ पे एस क्या है, जीरो वन, ठीक है ना, ओपन क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा यहाँ से, जीरो और वन। देखो इसके अंदर क्या है, जीरो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है सेट के अंदर, ठीक है ना, तो जीरो इसके अंदर एग्जिस्ट भी करता है और इस सेट का क्या है, इनफिमम भी है, ओके, इनफिमम भी है। तो ये थ्योरम ये कहती है अगर किसी सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो पक्की बात है उस वो सेट का क्या होगा, इनफिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, राइट, ओके। अब देखो कुछ एक आध रिजल्ट मैं आपको और बता देता हूँ। अगर भी देखो किसी ऐसे सेट का एग्जांपल जैसे जेड है, जेड क्या ले लिया आपने, जैसे भाई माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, ये एक ऐसा सेट है जिसका ना तो इनफिमम एग्जिस्ट करता ना ही सुप्रीमम, ठीक है ना। बहुत सारे सेट हैं, रियल नंबर का सेट अगर पूरा लोगे तो उसके अंदर ना सुप्रीमम एग्जिस्ट करता ना ही इनफिमम, ठीक है ना, क्योंकि उस इनफिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, सेट बाउंडेड होना चाहिए, या तो बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबो, ठीक है ना। बाउंडेड बिलो होगा तो इनफिमम एग्जिस्ट करेगा, बाउंडेड अबो होगा तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों होगा यानी कि बाउंडेड होगा तो क्या होगा, सुप्रीमम और इनफिमम बोथ एग्जिस्ट करेंगे। जेड इंटीजर सेट क्या है ये, ना तो बाउंडेड बिलो है ना ही बाउंडेड अबो है, सो इसका ना तो इनफिमम एग्जिस्ट करता ना ही सुप्रीमम एग्जिस्ट करता, ठीक है ना। अकेले बाउंडेड, अब जैसे आपने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, जैसे वन टू थ्री अप टू सेवन, ये सेट कैसा है, बाउंडेड बिलो है लेकिन बाउंडेड अबो नहीं है, सो इस सेट का इनफिमम तो एग्जिस्ट करता है लेकिन बाउंडेड अबो ना होने के कारण इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, ओके। जैसे आपने एक और सेट ले लिया, जैसे एस सेट ले लिया, जैसे आपने ले लिया माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ये इतना सेट ले लिया, ठीक है ना, तो इस सेट का क्या है, ये क्या है, सुप्रीमम है, क्योंकि सारे नेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट में क्या होते हैं, सारे छोटे, तो इस सेट का सुप्रीमम क्या है, माइनस वन है, क्योंकि ये बाउंडेड अबो है, बाउंडेड बिलो नहीं है, तो इस सेट का बाउंडेड अबो होने के कारण क्या है, सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, ओके। ये जो सिंगल सेट ले लिया आपने वन, जैसे सिंगल सेट, तो इस सेट का इनफिमम और सुप्रीमम बोथ आर वन, ठीक है ना, इसका इनफिमम भी वन है और सुप्रीमम भी वन है। तो इस तरह के एग्जाम्पल पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना, आपको सारे एग्जांपल क्लियर होने चाहिए। आप जब डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी ना तो सारे के सारे आपको इलुस्ट्रेशन बोलते हैं इनको, ठीक है ना, सारी क्लियर हो जाएंगी। आगे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, हम जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इनफिमम सुप्रीमम के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, राइट, ओके। अगर आपको DSB TGT मैथ में अगर कोचिंग लेनी हो तो आप इन दो फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम बैच बना सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।